रणकपुर गांव में एक लड़का मयंक अपनी माँ के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे, उनका रोजी रोटी बहुत ही मुश्किल से चलता था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा, जल्दी से तो नहा ले, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ, नहाने जा रहा हूँ, तब तक आप रोटी बना लो। मयंक की माँ ने आटे का डब्बा देखा, वो पूरा खाली था, बहुत थोड़ा सा आटा बचा था। उसने बोरी में से कुछ गेहूं की भूसी निकाली और आटे में मिलाया। थोड़े से आटे को भूसी के साथ मिलाकर वो रोटियां बनाने लगी। मयंक नहाकर आ गया था। माँ ने रोटी और दाल मयंक के आगे परोस दी। माँ, आप भी खा लो। मैं बाद में खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर माँ ने आखिरी रोटी भी मयंक की थाली में डाल दी और रोटी की दलिया को ढक दिया। वो रसोई से बाहर चली गई। कुछ देर के बाद मयंक से नजरें बचाकर माँ बची हुई थोड़ी दाल पी रही थी। अचानक मयंक अंदर आ गया और माँ को दाल पीती देख लिया। उसने रोटी की दलिया का मुआयना किया। माँ, आपके लिए एक भी रोटी नहीं बची, सब रोटियां मुझे ही खिला दी, आपने सिर्फ दाल ही पिया। रोटियां कम थी तो मुझे बता दिया होता, हम दोनों आधा आधा बांट कर खा लेते। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ज्यादा भूख भी नहीं थी। मयंक दुखी होकर घर से बाहर निकला और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। उसे एक हवेली दिखाई दी। मयंक ने अपने पास से गुजरते हुए एक आदमी से पूछा, सुनिए भाई साहब, ये हवेली किसकी है? अरे भैया, यह हवेली एक दुष्ट राक्षस की है, इसकी एक सुंदर बेटी भी है, वो बड़ी नेक है, इस हवेली में कोई नहीं जाता। मयंक के मन में हवेली के बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई। वो हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाते ही राक्षस की बेटी ने उसे देख लिया। कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम मयंक है, मैंने इस बड़े हवेली को देखा, इसके बारे में जानने की इच्छा हुई, इसीलिए अंदर चला आया। मैं नौकरी की तलाश में हूँ, यदि मुझे यहाँ कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम चित्रा है, मेरे पिता बाहर गए हुए, अगर वो आए और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हें एक जादुई बोरी देती हूँ, ये चमत्कारी बोरी है, इससे जो भी अनाज या खाने पीने की चीजें मांगोगे ये तुरंत दे देगी, इसे लेकर जल्दी ही यहाँ से चले जाओ। इतने में राक्षस हवेली के दरवाजे के बाहर आ गया। उसकी बेटी ने मयंक को एक संदूक के पीछे छिपा दिया। चित्रा, यहाँ कौन आया है? पिताजी, कोई नहीं आया। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। राक्षस घर के सभी कमरों में तलाश करने लगा। चित्रा ने मयंक को बाहर बुलाया। हवेली के पास अश्वशाला में दो घोड़े हैं। बड़ा घोड़ा 80 मील तक भागता है और छोटा घोड़ा 100 मील तक भागता है। तुम 100 मील वाला छोटा घोड़ा निकाल लो और उसी पर सवारी करके यहाँ से बचकर निकल सकते हो। मयंक जल्दी से अश्वशाल में गया और जल्दबाजी में 80 मील दौड़ने वाला बड़ा घोड़ा निकाल कर ले आया। अरे, ये तो सिर्फ 80 मील तक ही भाग सकेगा। चित्रा ने मयंक को घोड़े पर बिठा दिया और खुद भी बैठ गई। घोड़ा भागने लगा। राक्षस भी छोटे घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करने लगा। मयंक और चित्रा का घोड़ा 80 मील जाने के बाद एक पेड़ के नीचे रुक गया। चलो जल्दी ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं। राक्षस भी पेड़ पर चढ़ने लगा। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मयंक, मेरे साथ 100 मील वाले छोटे घोड़े पर कूद जाओ। दोनों 100 मील वाले घोड़े पर कूद गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और राक्षस अपना हाथ मलने लगा। एक जंगल में
दोनों को भूख लगने लगी। बोरी, अब करतब खिला दे, जल्दी जल्दी खाना ला दे। चित्रा के इतना कहते ही बोरी ने तुरंत सारे व्यंजन हाजिर कर दिए। दोनों प्यार से खाने लगे। चित्रा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिता राक्षस हैं और तुम इतनी सुंदर राजकुमारी जैसी कैसे लगती हो? मयंक, मैं राक्षस की वास्तविक बेटी नहीं हूँ, मैं चित्रगढ़ के राजा की बेटी हूँ। जब मैं छोटी थी तब राक्षस ने मेरा अपहरण कर लिया, इसके बाद बेटी की तरह पाल लिया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाता हूँ। पहले मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, यदि तुम्हें इतराज ना हो तो मैं अपने होने वाले ससुराल देखना चाहती हूँ। यह सुनकर मयंक बहुत खुश हो गया। उसने घर जाकर माँ को चित्रा से मिलाया। चित्रा ने माँ के पैर छू लिए। माँ, अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद दो। जीती रहो, सदा सुखी रहो। इसके बाद मयंक ने चित्रा को लेकर चित्रगढ़ चला गया। वहां पहुंचकर उसने चित्रगढ़ के राजा भानु सिंह, जो कि वास्तव में चित्रा के पिता थे, उनसे चित्रा की भेंट करवाई। मयंक ने राजा भानु सिंह को चित्रा के बारे में सब कुछ बताया। राजा भानु सिंह अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाकर खुशी से झूम उठे। चित्रा को उस भयंकर राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए राजा भानु सिंह ने मयंक का शुक्रिया अदा किया। इसी खुशी में राजा ने चित्रगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम रखा और मयंक और चित्रा का विवाह भी कर दिया। इसके बाद मयंक, चित्रा और माँ खुशी भरी जिंदगी बिताने लगे। राधा के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर के सभी लोग राधा को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे और उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी ही बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो राधा के दुख और भी बढ़ गए थे। राधा की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। राधा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राधा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़कर? और तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? दोबारा स्कूल जाने की बात मत करना, जा झाड़ू लगा। राधा रोते रोते झाड़ू लगाने लगती है। उस दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ की फोटो के आगे दिन भर रोती रहती है। कोई राधा से खाने को भी नहीं पूछता। सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, कहाँ मर गई राधा? अभी तक क्यों नहीं उठी? जल्दी से उठ। राधा घबरा कर उठती है और जल्दी से घर के आंगन में पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ? तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ फेंक दी? माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। काम चोर, तुझे झाड़ू न लगाना पड़े इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी। चल जा, अभी नई झाड़ू लेकर आ। राधा पास के बाजार जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वे झाड़ू कोने में रख देती है और पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर आती है देखती है कि घर की झाड़ू लग चुकी होती है। ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। अरे राधा, झाड़ू लेकर आई या नहीं? घर की आज सफाई होगी कि नहीं? इतना कहते कहते किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतनी जल्दी राधा ने पूरा घर साफ कैसे कर दिया। चल ठीक है, अब सफाई हो गई, जाके कपड़े धो। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही वह कपड़े धोने बैठती है देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। वह वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रख आती है। थोड़ी देर बाद फिर देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। फिर वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रखने जाती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है देखती है कि कपड़े धोकर रस्सी पर सूख रहे हैं। उसकी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। पर राधा डांट और मार के डर से किसी को कुछ नहीं कहती है। वह जहाँ जहाँ जाती है घर में झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर उसे लगने लगता है कि इस झाड़ू में ही कुछ गड़बड़ है तो डर के मारे उसे बाहर फेंक आती है।
लेकिन घर में जैसे ही वापस आती है वह झाड़ू उसके घर में फिर मिलती है। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन है ये, किसकी आवाज है? राधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कौन माँ? राधा, मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर राधा रोने लगती है और अपने दुख अपनी माँ को सुनाती है। मुझे सब पता है राधा, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी और ये झाड़ू तुम्हारा हर काम में सहायता करेगी। अगले दिन से राधा को घर में कोई काम नहीं करना पड़ता, सारा काम झाड़ू कर देती है और राधा को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। राधा की सौतेली माँ को ये सब देखकर हैरानी हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने जल्दी इस घर का सारा काम कैसे कर रही है। उसका शक बढ़ता ही जाता है और वो राधा पर नजर रखने लगती है। एक रात में राधा को किसी से बात करते सुन लेती है, पर उसे दिखाई नहीं देता कि राधा किससे बात कर रही है। दूसरे दिन वे राधा को बहुत डांटती है और मारती है, ये बताने के लिए कि वह किससे बात कर रही थी और घर में क्या हो रहा है। पर राधा उसकी सौतेली माँ को कुछ नहीं बताती, लेकिन रात को अपनी माँ को सब कुछ बताती है और बहुत रोती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। राधा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह झाड़ू से कहती है कि जाओ और अपना काम करके आओ। झाड़ू जाती है और रात को ही राधा की सौतेली माँ की बहुत पिटाई लगाती है। सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी झाड़ू दिखाई नहीं देती कि क्या हो रहा है। सब पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो। वह कहती है कि मुझे झाड़ू मार रही है, पर किसी को भी झाड़ू नहीं दिखाई देती। अब रोज रात को यही होता, सौतेली माँ की रोज पिटाई होने लग गई थी। सबको लगने लगा था कि सौतेली माँ पागल हो चुकी है। राधा के पापा ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन रोज रात की पिटाई होना बंद नहीं हो रही थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ तो राधा के पापा ने सौतेली माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ सौतेली माँ के एक दिन सपने में राधा की माँ आई और उसने बोला कि तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो, इसलिए आज मैंने तुम्हारी ये हालत कर दी है। अगर तुम मेरी बेटी से माफी मांगोगी और ये वादा करोगी कि कभी भी उसे परेशान नहीं करोगी, मारोगी नहीं, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी और तुम्हें घर वापस भिजवा दूंगी। सौतेली माँ माफी मांगती है और वादा करती है कि मैं अपने बच्चों की तरह ही राधा को पालूंगी। दूसरे दिन डॉक्टर राधा के पापा को बुलाकर कहते हैं कि राधा की माँ ठीक हो चुकी है, इनको आप घर ले जा सकते हो। सौतेली माँ घर आ जाती है और राधा को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है और स्कूल भी भेजने लगती है। राधा समझ जाती है कि ये सब क्यों हो रहा है। वे खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद देती है।